इस लजीज सी पालक पनीर को देखकर आ गई ना आपके भी मुंह में पानी। जी दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये क्रीमी और मज़ेदार सी पालक पनीर की रेसिपी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको कुकिंग एंड मी की एक और मज़ेदार सी कुकिंग एपिसोड में। तो पालक पनीर एक बहुत ही स्पेशल सी वेज रेसिपी है जो कि रोटी, पराठा, नान, राइस किसी के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए देख लेते हैं स्पेशल सी पालक पनीर को बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है हमारी आज की सारी स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स जो कि मैंने इस मज़ेदार सी पालक पनीर को बनाने के लिए यूज़ किया है। पालक, खड़े गरम मसाले, पनीर, टमाटर, प्याज, कसूरी मेथी, पाउडर मसाले, बटर, अदरक लहसुन, घी और फ्रेश क्रीम। तो चलिए कुकिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी डालकर इसको गर्म होने के लिए रखा है। पानी जब ऐसे बॉयल होने लगे इसमें हम ये पालक को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे सारे पालक को बिल्कुल अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ही बॉयल करना है। और ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट के बाद हमारे ये पालक बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। याद रखें, इसे हमें 2 से 3 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक पतीले में चिल्ड कोल्ड वाटर ले लिया है। तो ये हम पालक को डायरेक्टली निकाल कर इस ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने से दोस्तों पालक की जो ओरिजिनल ग्रीन कलर है वो ग्रीन ही रहती है। तो पालक जब ऐसे ठंडा हो जाए इसे हम दोनों हाथों से बिल्कुल अच्छे से निचोड़ कर इस ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। याद रखें, इसे हमें बिल्कुल ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और फिर इसे हम इस ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। अब इसका हमें एक बहुत ही स्मूथ वाला पेस्ट करके रेडी कर लेना है। इसके लिए इसमें हम लगभग 1 कप पानी डालेंगे और साथ ही इसमें हम 3 हरे मिर्च भी डाल देंगे। तो ये लीजिए, अब हमारे ये स्मूथ वाले पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी होनी चाहिए और कलर भी देखिए बिल्कुल फ्रेश ग्रीन लग रही है। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। कढ़ाई के गर्म होने के बाद इसमें हम लगभग 1 टेबलस्पून जितना व्हाइट ऑयल डाल देंगे। तेल को भी हम हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें हम बटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 2 क्यूब जितने बटर यूज़ किए हैं। बटर को थोड़ा मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे। तो ये लीजिए, अब हमारे बटर मेल्ट होने लगे हैं। अब इसमें हम सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे शाही जीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी, इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ते, इन सबको मैंने ऐड कर दिया है। इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है और दोस्तों इसके ऐड करने के बाद ही देखिएगा इसमें बहुत ही अच्छी सी एरोमा आने लगेगी। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 1 बड़े साइज प्याज को ऐसे बारीक काट लिया है। इसको दोस्तों हमें ट्रांसपेरेंट होने तक ही फ्राई करना है, ज़्यादा लाल होने तक इसे फ्राई ना करें। जब हल्का सा फ्राई हो जाए इसमें हम अदरक और लहसुन को ऐड कर देंगे। लहसुन दोस्तों मैंने यहाँ पे रफली चॉप किया है। अदरक को आप क्रश कर ले या चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अदरक को ऐड किया है। और ये लीजिए, प्याज अब हमारे बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब इसमें हमें टमाटर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज टमाटर को ऐसे बारीक काट लिया है। इसे भी हम पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये लगभग 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम ये सारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लगभग 1 छोटे टेबलस्पून ऐड किया है। नमक आप इसमें अपने स्वाद अनुसार ऐड करें। इसे भी हम इस मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए, टमाटर अब हमारे बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब इसमें हम ये पेस्ट किए हुए पालक को डालेंगे और फिर इसे हम इस मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से कुक करेंगे। आप चाहे तो दोस्तों इसमें टमाटर के बदले टमाटर के पेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखिए,
पालक अब हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें मैंने लगभग एक कप जितना पानी ऐड कर दिया है। और जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आने लगे इसमें हम ये कटे हुए पनीर को डाल देंगे और फिर इसे हम इस पालक के साथ लगभग और 2 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे। और देखिए दोस्तों, इस पनीर के ऐड करने के बाद हमारे ये पालक कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये लीजिए, पालक और पनीर हमने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक के कुक करना है। और ये लगभग 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। और फिर इसे मिला के दोबारा 10 से 15 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, लगभग 15 मिनट के बाद मैंने इसमें से ढक्कन हटा दिया है और हमारे ये पालक और पनीर दोनों बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं हमारे ये पालक की ग्रेवी। देखिए अब दोस्तों, इसमें हमें ये कसूरी मेथी ऐड करनी है। इसके लिए मैंने कसूरी मेथी को हाथ में ऐसे थोड़े से घिस लिया है, इससे इसकी अच्छी सी खुशबू पूरे इस पालक पनीर में फैल जाएगी। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे बटर 1 बड़े टेबलस्पून। नेक्स्ट इसमें हमें डालने हैं घी लगभग 1 टेबलस्पून, इससे इसमें बहुत ही अच्छी सी क्रीमी वाली फ्लेवर आएगी दोस्तों। तो चलिए इसे हम मिला लेते हैं पहले हल्के हाथों से। और फिर इसमें हम ये गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इससे। और ये लीजिए, अब हमारे ये मज़ेदार वाले पालक पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। अब लास्ट में इसमें हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली इंग्रेडिएंट ऐड करनी है जो कि फ्रेश क्रीम। इससे इसकी टेस्ट बिल्कुल दुगनी हो जाएगी दोस्तों, यकीन माने। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 बड़े टेबलस्पून जितनी फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया है। इसे हम मिला लेंगे और देखिए दोस्तों, इसे मिलाने के बाद इसकी कलर कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल क्रीमी वाली टेस्ट इसमें आ जाएगी इससे। तो ये लीजिए, अब हमारे ये मज़ेदार और क्रीमी वाली पालक पनीर की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हमारे ये बटरी और क्रीमी वाले पालक पनीर की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने थोड़े से बटर डालकर सर्व कर लिए है। इस रेसिपी को आप रोटी, नान, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, यकीन माने बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।